हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारा श्रीमद् भागवतम का सेशन जो रहेगा, जो टास्क रहेगा श्रीमद् भागवतम का, वो है 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। चार श्लोकाज रहेंगे। हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं पहले स्कंद का, आप सब जानते ही हैं। तो आई होप जिन्होंने ऑफलाइन मोड में, जो ऑनलाइन मोड में नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो ऑफलाइन मोड में रीडिंग कर रहे हैं, वो साथ साथ कवर कर रहे हैं। और जिन्होंने छोड़ दिया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको कवर कर लीजिए, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के जो श्लोकाज रहेंगे उससे हमें काफी कुछ प्रेरणा मिल सकती है कि हम समय ना गवाए। बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग इट, जब मैं इनको पढ़ रहा था, इनका अध्ययन कर रहा था, तो मुझे काफी रियलाइजेशन हुई। सो आई होप आप सबको भी होगी। तो चलिए उसका हम कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। हरे कृष्णा एंड दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदिरते नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। तो इसको हम प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम का पीडीएफ स्क्रीन, पीडीएफ आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर लिया है मैंने। तो सबका म्यूट हो गया आई थिंक, फिर भी कुछ शोर आ रहा है बैकग्राउंड। ओके, आई रिक्वेस्ट 8 से 8:30 बजे के समय प्रयास किया कीजिए कि एकांत या अपने परिवारजन के साथ बैठे, इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर एंड देयर और वर्किंग विद मैनी थिंग्स। मल्टीटास्किंग नहीं है, हम आप किचन में भी लगे रहेंगे, सब्जी भी बना रहे होंगे एंड ऑल। सो वन शुड हैव अ स्पेयर टाइम फॉर श्रीमद् भागवतम एटलीस्ट। ओके, चलिए आज का हम शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 15, चैप्टर नंबर 13, कैंटो 1, पहला स्कंद। जिनके बैकग्राउंड में शोर ना हो वो अपने आप को कन्म्यूट कर सकते हैं और पीछे पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। अभिवृत अर्याम दंडम, यथावत अगा करिशो, यावत् दधरा शुद्रवताम्। Translation prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ki jai. Jai Prabhupada. मंडूक मणि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वाले को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। ओके, हमने कल शायद इस पॉट को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया था। अर्यमा को अपॉइंट किया गया था यमराज की जगह, क्योंकि उनको श्राप लगा था मंडूका मुनि। और पीछे हमने पढ़ा मंडूका मुनि ने इनको श्राप क्यों दिया। उससे पहले, इसको कंटिन्यू करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानं द्रविन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सर्वदैतं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजतं सह घन रघुनाथं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहित्यं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदसगन ललिता श्री विशाखान्वितं सच
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे ही राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय हे वांछाय कल्पत्रवेश कृपा सिंधु वैवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णवेशाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट मंडुका मुनि ने श्राप क्यों दिया यमराज को, तो जस्ट बिकॉज मंडुका मुनि को अरेस्ट कर दिया था, वहां पे बताया था सिविल पुलिस ने, जो मतलब उनको अरेस्ट कर दिया था राजा के सिपाहियों ने, और किस चोरी के मामले में, हालांकि चोर और कोई थे उनको भी पकड़ा और उनके साथ मंडुका मुनि को भी पकड़ लिया। तो मंडुका मुनि ने बताया कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने तो चोरी तो छोड़ो, मैं तो एक मुनि हूँ, मेरे से तो कोई अपराध भी नहीं होने वाला है जाने अनजाने में, तो आपने अरेस्ट क्यों किया। तो उन्होंने माफी मांगी, तो उन्होंने पता था ये तो एक कारण, मतलब ये तो एक माध्यम बने, इसका मेन रीजन तो पता होगा यमराज को, तो वो यमराज के पास चले गए। उन्होंने बोला मुझे ये दंड क्यों दिया, मतलब इस तरीके का कष्ट क्यों पहुंचाया मुझे, मैंने तो ऐसा कुछ कार्य नहीं किया। यमराज ने बोला कि क्योंकि तुमने पिछले जन्म में बालक के जब रूप में थे आपने कुशाग्रास होता है ना, कुशाग्रास से एक चींटी को काट दिया था, उसके हिस्से कर दिए थे अलग अलग, तो इसलिए आपको ये उसका पाप का वो जो है सजा अभी मिली है। तो मंडुका मुनि ने बोला कि मैं तो उस टाइम पे बालक था और शास्त्रों के अनुसार 13 वर्ष के कम यानी कि 12 साल तक कोई बच्चा पाप पुण्य के उसमें वो नहीं आता, काउंट नहीं किया जाता उसका, इट्स अ ट्रेनिंग टाइम, तो ट्रेनिंग टाइम पे अगर कुछ गलती हो जाए तो वन इज लाइक उसको पाप उसको नहीं चढ़ता है, उसके माता पिता को चढ़ता है, तो ये तो आपने गलत किया। तो उन्होंने बोला कि जा तू शूद्र बन जा। अब यमराज को शूद्र बनाया, और यमराज महाजन भगवान के शुद्ध भक्तों में उनकी गिनती है, 12 महाजन में यमराज आते हैं। तो यमराज एनीवेज यहाँ पे हमें दूसरी स्टोरी पे पता चलती है कि यमराज की इच्छा थी कि वो थोड़ा सा रेस्ट चाहते थे, एक मान लीजिए लीव चाहते थे कि इतना कार्य रहता है, इसमें स्पष्टीकरण करते हैं श्रील प्रभुपाद कि बहुत काम रहता है यमराज जी के पास, क्योंकि हमारे समाज में जो पुण्य करने वाले हैं वो कम है, पाप करने वाले ज्यादा है, तो इसलिए वो यहाँ आना चाहते थे, भगवान की लीलाओं का आनंद लेना चाहते थे, तो इसलिए भगवान ने कथा रची कि उनको श्राप, एक बाहरी वो दिखाने के लिए श्राप दिया और फिर यमराज यहाँ आए। तो उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं तात्पर्य के रूप में, आगे क्या बताया जाता है। तो युगांश प्रभु जी का और संजय प्रभु जी पता नहीं जुड़े हैं नहीं जुड़े, अभी देख लेते हैं। युगांश प्रभु जी अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज तात्पर्य पढ़ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तात्पर्य, महाराज विदुर शूद्र स्त्री की कोख से उत्पन्न होने के कारण अपने भाइयों महाराज धृतराष्ट्र तथा पांडवों के साथ राज्य के उत्तराधिकारी से भी वंचित थे। तो भला वे महाराज धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं एवं क्षत्रियों के शिक्षक पद तक कैसे रह सकते थे? इसका पहला उत्तर यह है कि यद्यपि वे जन्म से शूद्र माने जाते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने श्री मैत्रेय मुनि के आदेश अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतः वे आचार्य पद को ग्रहण करने हेतु पूर्णतः सक्षम थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या ईश तत्व में निपुण है, वे चाहे ब्राह्मण है या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, गुरु होने हेतु योग्य है। यहाँ तक कि सामान्य नीति शास्त्र में महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिविद चाणक्य पंडित के मतानुसार शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने के लिए शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई। यह उत्तर का एक अंश हुआ। दूसरा अंश यह है कि महात्मा विदुर वास्तव में शूद्र नहीं थे, उन्हें मंडूक मणि के शाप के कारण 100 वर्ष तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। वे यमराज के अवतार थे जो 12 महाजनों में से एक थे और ब्रह्मा, नारद जी, शिव, कपिल, भीष्म देव, प्रहलाद इत्यादि महापुरुष के समान उच्च पद पर थे।
महाराज होने के कारण यमराज का कर्तव्य है कि वे विश्व के मनुष्य को भक्ति संप्रदाय का उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार श्री नारद मुनि ब्रह्मा तथा अन्य महाजन करते हैं। किंतु यमराज सदैव अपने राज्य में पाप कर्म करने वालों को दंड देने के लिए कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। श्री भगवान ने यमराज को पृथ्वी से कुछ लाखों मील की दूरी पर स्थित एक विशेष ग्रह पर नियुक्त किया है, जहां वे मृत्यु के पश्चात भ्रष्ट जीवात्माओं को ले जाकर उनके पाप कर्मों के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। अतः यमराज को दुष्कर्म करने वालों को दंड देने के उत्तरदायी काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। दुष्कर्म करने वालों की संख्या सत्कर्मी से अधिक है। अतः यमराज को श्री भगवान द्वारा अधिकृत अन्य देवों की अपेक्षा अधिक काम करना पड़ता है। लेकिन यमराज तो श्री भगवान की महिमा का उपदेश देना चाहते थे। अतः भगवत इच्छा से मंडूक मुनि के शाप के कारण उन्हें महात्मा विदुर के अवतार रूप में इस पृथ्वी पर आने का अवसर मिला और महान भक्त की तरह निरंतर श्री भगवान की सेवा में जुटने का अवसर मिला। ऐसा भक्त ना तो शूद्र होता है ना ब्राह्मण। वह संसारी समाज के ऐसे विभाजन से परे होता है जिस प्रकार श्री भगवान सूकर के रूप में अवतरित होकर भी ना तो सूकर थे ना ही ब्रह्मा हैं। वे समस्त संसारी प्राणियों से श्रेष्ठ हैं। कभी कभी श्री भगवान तथा उनके विभिन्न अधिकृत भक्तों को बस जीवों के उद्धार हेतु निमंत्र प्राणियों की भूमिका निभानी पड़ती है, किंतु श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त दोनों सदैव दिव्य पद पर बने रहते हैं। जब यमराज इस प्रकार महात्मा विदुर के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप तथा अदिति के अनेक पुत्रों में से एक अरेमा ने यह पद संभाला। आदित्यगण अदिति के पुत्र हैं और अदितियों की संख्या 12 है। अरेमा इन 12 अदितियों में से एक है। अतः महात्मा विदुर की अनुपस्थिति में 100 वर्षों तक यमराज के कार्यभार को संभालने हेतु अरेमा का चुनाव ठीक ही था। निष्कर्ष यह है कि महात्मा विदुर कभी भी शूद्र नहीं थे, वे तो शुद्धतम ब्राह्मण से भी महान थे। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। सो हियर वी अंडरस्टैंड द मेनी सेगमेंट्स ऑफ दिस वर्स, है ना। बहुत सारे चीजों का हमें जानने को मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो कल बात की थी उस बारे में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है, जहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। हालांकि ये चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला 8वें पॉइंट 1-8 का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। किब विप्र किब न्यासी शूद्र के नया हे कृष्ण तत्व वेत से ही गुरु क्या हया। तो इसका मतलब ये होता है कि मैटर नहीं करता, ये जरूरी नहीं और ये मैटर नहीं करता कि मनुष्य विप्र है या शूद्र है, लोअर फैमिली में जन्मा है या विप्र, मतलब लर्न स्कॉलर जिसको कहते हैं, ज्ञानी क्यों ना हो या सन्यास क्यों ना लिया हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उसको साइंस ऑफ कृष्णा पता है या नहीं, साइंस ऑफ गॉड हेड जिसको कहते हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद। ये सब मैटर नहीं करता, बाहरी रूप से मैटर नहीं करता। ही दो द वन हु इज सिंपल टर्म्स द वन हु इज नोइंग द साइंस ऑफ कृष्णा इज एलिजिबल टू मेक डिसिपल्स, ही इज परफेक्ट बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। ये परफेक्ट ट्रांसलेशन है इस श्लोका की। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी कभार हम डाउटफुल हो जाते हैं। वन शुड नॉट बी डाउटफुल वेदर इवन इन द इस्कॉन यू विल सी बहुत सारे गुरुजन गृहस्थ में हैं, बहुत सारे गुरुजन वानप्रस्थ में हैं, कुछ संन्यास में हैं, तो सब इक्वल हैं एक्चुअली, ठीक है। तो सुनीता माता जी मेन बोल रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सुकर? सुकर मतलब सुअर ना, हॉग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जितना मेरे को पता है हॉग ही होगा। एक सेकंड मुझे पढ़ लेते हैं। हाँ हॉग, यस, ही इज नाइदर अ हॉग नॉर अ ब्रह्मा, ठीक है, ओके। सो इसमें बाकी कुछ चीजों का वर्णन किया गया है, जैसे पढ़ा है यहाँ पे कि अलग अलग महाजनों का वर्णन हुआ है कि बहुत सारे महाजन हैं, उनमें से 12 महाजन है ना, 12 महाजनों में यमराज भी एक है। तो इस तरीके से वर्णन किया जा रहा है। तो ये जो अगर शूद्र में आते हैं दैट डजंट मैटर, दैट हार्डली मैटर्स। अभी देखो कितने सारे प्योर डिवोटीज फॉरिन बॉडी में है, जो अमेरिका में जन्मे हैं या कोई रशिया में जन्मा है या कोई कहाँ कहाँ है, तो इट रियली डजंट मैटर। तो ये फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो इसमें और भी कुछ लेसन ले सकते हैं।
अगर कुछ हो मेरे एंड से स्किप हो गया हो तो आप प्लीज उसको हाईलाइट कर लीजिए, हम नेक्स्ट वर्स पे आते हैं, बिकॉज सारे ही श्लोकास इम्पोर्टेंट है, आई वॉन्ट कि हम सब एक साथ पढ़े तो ज्यादा मजा आ जाएगा. ओके संजय प्रभु तो नहीं जुड़ पाए हैं, तो लेट मी सी हु वॉन्ट्स टू रीड, जिन्होंने कल नहीं पढ़ा था. ओके प्रेरणा माता जी प्लीज. प्रेरणा माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. युधिष्ठिर लब्राज्य दृष्टः पौत्रं कुलं धरं भारत भी लोकपाला भी मुमुदे पर्याप्श्रिया. अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया. तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन दोनों ही कुरुक्षेत्र युद्ध के शुरू होने के दिन से ही अप्रसन्न थे, किंतु युद्ध में स्वजनों को मारे जाने की अनिच्छा होते हुए भी उन्हें उसे कर्तव्य समझकर करना पड़ रहा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा से इसकी योजना की गई थी. युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ऐसे सामूहिक संहार से दुखी थे. एक तरह पांडवों के बाद कुरु वंश को चलाने वाला कोई नहीं था. यदि एकमात्र आशा शेष थी तो वह पुत्र वधु उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक था और उस पर भी अश्वत्थामा ने हमला कर दिया था, किंतु भगवान की कृपा से वह बालक बच गया था. अतः सभी उपद्रवों के शांत होने पर तथा राज्य में शांति स्थापित होने पर और एकमात्र बचे हुए बालक परीक्षित को देखकर युधिष्ठिर संतुष्ट थे और सदैव क्षणिक और भ्रांत करने वाले भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण न होने पर भी मानव होने के कारण उन्हें कुछ चैन मिला था. कुछ चैन मिला था. हरे कृष्णा. कुला धर्म, तो कुलम धर्म का शब्द है कुलम धर्म. कुलम धर्म मतलब विच इज सुटेबल फॉर द डायनेस्टी. ओके वंश के अनुकूल. तो जो बड़े बड़े संत महात्मा जैसे यहाँ हमारा युधिष्ठिर की बात हो रही है, उनको ये मतलब he doesn't want, he was not hankering after the material enjoyment. वो भौतिक इच्छाओं के प्रति नहीं भाग रहे थे, हमारे जैसे नहीं थे वो. उनको ये चिंता थी कि जो कुल के धर्म को स्थापित कर सके, यानी कि पूरे राज्य पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हु विल लाइक प्रिजाइड, a devotee should be presiding. तो और भगवान की भी यही इच्छा थी. तो भगवान की इच्छा को फॉलो करते करते महाराज युधिष्ठिर ने बाकी सबका भी वध किया जो वो करना नहीं चाहते थे, बिकॉज डिवोटीज जो भगवान के भक्त होते हैं उनका जो हार्ट होता है वेरी सॉफ्ट होता है, कोमल होते हैं. भगवान भी कोमल होते हैं. तो लेकिन भगवान के आदेश का पालन इसलिए क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि कोई भक्त स्थापित हो एज ए राजा. तो महाराज परीक्षित को इसलिए भगवान ने बचाया भी. द ओनली रीजन कृष्णा सेव्ड महाराज परीक्षित, जिसपे जैसे हमें देखा अश्वत्थामा ने, जिन्होंने नहीं पढ़ा ये पीछे श्लोका पीछे चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा के गर्भ पे, तो जो भगवान ने उनको बचा दिया था गर्भ में जाके और उनको प्रोटेक्शन की थी. तो फिर महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि महाराज परीक्षित अब यहाँ एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, मतलब ही इज सर्वाइव्ड नाउ, तो फिर वो संतुष्ट थे. ठीक है नेक्स्ट श्लोक. ओके अदर डिवोटीज आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू कि वो भी पार्टिसिपेट करें. मैंने किसको अनम्यूट कर दिया मुझे पता नहीं है, जिसको भी अनम्यूट हो गया है वो अनम्यूट कर सकते हैं. तो हुआ अनम्यूट किसी को? यस प्रभु जी. यस माता जी. आस्था माता जी. ओके एवं गृहेषु सत्तानां ब्रह्मत्तानां तदीहया अत्यक्रामत् अविज्ञातः कालः परं दुरस्तरः. जो लोग घरेलू मामले में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है. तात्पर्य, अब मैं सुखी हूँ, अब सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को काफी जागीर दे सकता हूँ,
अब मैं सफल हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं, किंतु वे मेरे सामने हाथ फैलाने आते हैं, अतः मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। ये कुछ विचार हैं जो उन प्रमत्त आसक्त गृहस्थों के मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। मनुष्यों के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता के साथ बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते एक क्षण को कठिन कमाई से संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्कों से भी नहीं बदला जा सकता। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं को हल करने के निमित्त अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने के लिए है। यह भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता रहता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है। अन्यथा जीव तो शाश्वत है, वे ना तो कभी जन्मता है ना कभी मरता है। मूर्ख लोग इस समस्या को भूल जाते हैं, उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से बीतता चला जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, यही भ्रम कहलाता है। हरे कृष्ण। ओके, आगे भी है। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति जागरूक रहता है, उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत की मायावी सुख की प्रति तनिक भी आकर्षण ना था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद मोक्षदाता भगवान की सेवा में अचल थे, अतएव उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण ना था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। क्योंकि जीव शाश्वत है, अतएव वह भगवान के नित्य धाम पर व्योम में ही सुखी रह सकता है, जहां से बारंबार जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे के इस भूभाग में कोई नहीं लौटता। अतः कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, शाश्वत जीव के लिए भ्रम ही है। जो इस तथ्य को समझ लेता है वह विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक लालायित रहते हैं, और जिस तरह भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार जिसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, उसे कितना भी भौतिक सुख क्यों न प्राप्त हो, किंतु इससे यह भूख बुझती नहीं। अतः इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों या तथा माता पर लागू नहीं किया जा सकता। यह धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए है जिन्हें शिक्षा देने के लिए विदुर विशेष रूप से आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सच ए वंडरफुल ट्रांसलेशन एंड पर्पट। सो इसको सिर्फ सुनना ही नहीं है, अपने जीवन में अप्लाई भी करना है समझ के। तो लेट्स टेक ए रिविजन ऑफ दिस। पहले ही तो श्रील प्रभुपाद इज लाइक वो था ना स्मैशिंग, वो था जैसे क्रिकेट, हम आई यूज टू बी ए क्रिकेट फॉलोअर एंड क्रिकेट देखता था। तो पहली बॉल में कोई प्लेयर आता था छक्का मारता था तो उस पर लोग बड़ा शोर मचाते थे। तो श्रील प्रभुपाद इज डूइंग दैट राइट नाउ। फर्स्ट बॉल में ही सिक्स, दैट आई एम नो हैप्पी। हमारे ऐसे रहते हैं ना, मैं सुखी हूँ, आपका सब कुछ ठीक है, मेरे पास धन है या मेरे पास घर बार है, मेरे पास सब कुछ है, सो आई एम सेटिस्फाइड। और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं अगर कोई सन्यासी कोई आता है भिक्षा के लिए और उनको कुछ देता है, हालांकि सन्यासी या शुद्ध आत्मा कभी हम उनको सेवा करते हैं ना, तो वो हमारे वी शुड थैंक्स टू दैम कि हमें एक ऑप्शन दिया या हमें एक चांस दिया उनकी सेवा करने के लिए। एंड समटाइम्स ईगो क्लैशेज हो जाते हैं एंड वी फील दैट हमने किया तो मैं परमेश्वर से बड़ा हूँ। श्रील प्रभुपाद पहले उसको क्लियर कर रहे हैं कि हम तो पहले कुछ कर नहीं रहे हैं, वो हम पे कृपा कर रहे हैं इनडायरेक्टली। नेक्स्ट श्रील प्रभुपाद इज सेइंग अबाउट द लाइफ, बहुत छोटा समय है सच में। इट इज आई वाज इमेजिनिंग एंड वाज डिस्कसिंग यस्टरडे, मैं कल किसी से डिस्कस कर रहा था इस बारे में, बहुत कम समय है। अब इस कम समय को हम समझते हैं या नहीं समझते, वो हमारी अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंस है या अपनी समझ के अब तक है। बहुत कम समय है और कम समय में हम कैसे इस समय का लाभ उठा सकते हैं, दैट इज
वो उस चीज को हमने समझना है। और शिला प्रपात उसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, इतना जिद्दोजहद। और शिला प्रपात यहाँ पे बहुत बारी शब्दों का उमड़ते घुमड़ते रहते हैं गृहस्थियों के लिए स्पेशली, तो हम यहाँ पे ऐसे कार्यकलापों में करने लगे रहते हैं, सब चीजों को परफेक्ट बनाने में लगे होते हैं। घर को बड़ा घर बनाना है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, या किसी को गाड़ी खरीदनी है, रेनोवेट करना है, बीवी बच्चे बीवी को सेटिस्फाई करना है, अलग अलग तृप्त करना है अलग अलग कार्यों से, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, कितना कुछ में उलझ जाते हैं और फिर जो मूल उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन का वो ही भूल जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ इज टू गेट कृष्णा प्रेम, स्पेशली टू गेट कृष्ण प्रेम और उनकी सेवा में लग जाना। अदरवाइज अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो फिर वापस 84 लाख प्रकार की योनियों में गोते खाने पड़ेंगे और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस जंजाल में उबड़ते गुबड़ते रहेंगे। तो जन्म मृत्यु जैसे बता रहे हैं शिला प्रपात, तो अगर जो शुद्ध भक्त है वो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज से निकल सकता है। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू गेट आउट ऑफ दिस इल्यूजन। और इसी को ब्रह्म कहलाते हैं हम जो ये परिवार सब, यहाँ पे देखिए क्या शब्द का यूज हो रहा है, बिकम एंग्रोस्ड इन टेम्पररी फैमिली अफेयर्स। आप सब सुनिएगा, ये मेरे लिए भी ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट उतना है जितना आप सबके लिए, तो ये हम सब एक दूसरे के लिए रिपीट कर रहे हैं। जीवन की समस्याओं की तरह हल किया उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझते रहते हैं और उनकी समझ में ये नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से बीता जा रहा है, मतलब टाइम इज गोइंग ऑन, टाइम इज पासिंग ऑन एंड वी कैन नॉट गेट इट बैक, चाहे कितनी भी सोने की मुद्राएं दे दो। यहाँ पे शिला प्रपात कह रहे हैं मतलब यू कैन नॉट गेट इट बैक, इज इट पॉसिबल, यू कैन यू गेट द टाइम। ये मूवी में होता है कि हम मशीन में जा रहे हैं एंड देन टाइम मशीन में जाके फिर टाइम चेंज किया जाता है, बट दिस इज रियली नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, क्योंकि ये काल है, भगवान काल है, भगवान ही है वो, भगवान के नेचर के साथ वी कैन नॉट वायलेट द नेचर, और मतलब हम कुछ उसके साथ करना का कोशिश करेंगे तो अदरवाइज हम उसका फल क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, हम पे ही इफेक्ट होगा। और फिर शिला प्रपात सेकंड पैराग्राफ में यही बता रहे हैं, इवन द हैप्पीनेस ऑन द ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक तक चले जाएंगे ना, ब्रह्मलोक 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स की डिस्कशन हुआ है, मेनली 14 प्लैनेटरी सिस्टम जिसमें 14 प्लैनेट्स आते हैं, उसमें जो टॉप लोक है वो ब्रह्मलोक है, उधर भी चले जाएंगे जो स्वर्ग लोक से भी काफी ऊपर है, उधर भी चले जाएंगे तो हैप्पीनेस जो है वहां पे टेम्पररी है, इवन एज भी ब्रह्मा जी की टेम्पररी है। सो व्हाट वी आर हैंगरिंग फॉर, तो अब यहाँ पे अगर हम खुशी का प्रयास कर रहे हैं ढूंढने का तो वो भी टेम्पररी है। सो वन शुड नॉट हैंकरिंग आफ्टर द मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, वन शुड फील एंड गेट द एम्बिशन ऑफ दिस लाइफ, टू अंडरस्टैंड एम्बिशन ऑफ दिस लाइफ, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। ये धन दौलत सब यहीं रह जाएगा, एक इसमें बहुत अच्छा भजन आता है उसमें एक लाइन है, धन दौलत और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली, तो मतलब ये सुंदर काया जो भी है ये सब मिट्टी हो जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला यहाँ पे, हमारा शरीर ही जब हमारा साथ नहीं देने वाला तो परिवारजन कहाँ देने वाले हैं। तो ब्रह्मलोक इज ऑल्सो टेम्पररी, फिर नो वन रिटर्न्स, हाँ अगर हम भगवान के धाम में चले जाते हैं तो जन्म मृत्यु, यहाँ पे बता रहे हैं कि जहाँ से बारम्बार जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे के इस भूभाग में कोई नहीं लौटता, फिर वापस यहाँ नहीं आना पड़ता, वहां ये सब सफरिंग्स नहीं है। और जो इसको समझता है वही शुद्ध भक्त कहलाया जाता है, एंड वो शुद्ध भक्त ब्रह्म सुखम वो एब्सोल्यूट हैप्पीनेस को ले पाता है, उसको एक्वायर कर पाता है, और उसके साथ साथ वो शुद्ध भक्त टाइम वेस्ट नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ही डजंट वेस्ट द टाइम इन सेटिस्फाइंग द थिंग्स। वो बहुत, हम जैसे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले कई बार बहाने लगाते हैं, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, ये भी कार्य इंपॉर्टेंट है, वो भी कार्य, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, तो आप पता है उनको, उन्होंने पहले तो ही वॉज सो क्वालिफाइड, इतने इंटेलिजेंट, श्रुतिधर भी कहा जाता है उनको, सिंह गुरु के साथ उनका नाम श्रुतिधर भी है, श्रुतिधर मतलब वो होता है जिनको याद रह जाता है, एक बार सुन लिया तो उनको याद रह जाता है। 7 वर्ष की आयु में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी को 700 श्लोक याद थे भगवद गीता के, तो यू कैन इमेजिन हाउ इंटेलिजेंट ही वॉज। पढ़ाई जब लिखाई करते थे स्कूल में तो वो शास्त्र पुराण वगैरह कुछ पढ़ते थे तो टीचर उनको पकड़ के बोलते थे, क्यों पढ़ाई के टाइम पे ये पढ़ रहे हो, ये कौन सा टाइम है, तो फिर कोई टीचर उनसे प्रश्न पूछता था तो वो जवाब दे देते थे और हायर क्लास का भी जवाब देते थे, टीचर को समझ जाते थे ये तो कुछ अलग ही लेवल के हैं, इनके साथ कम्पीट करना इज लिटल इम्पॉसिबल। लेकिन व्हेन ही वाज ग्रेजुएटिंग तो उन्होंने ग्रेजुएशन छोड़ दी, क्यों छोड़ा, ओनली रीजन वाज
उनको लगा था कि अगर मैं पढ़ लिखूंगा बहुत अच्छा क्वालिफाइड हो जाऊंगा तो मेरे घर पे रिश्ते आएंगे शादी के, लेकिन उनको मेरे को तो शादी करनी ही नहीं है, तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी जस्ट टू अवॉइड मैरिज. अनपढ़ अनपढ़ मतलब कम क्वालिफाइड रहूंगा तो कम शादी के झंझट, शादी ही नहीं करूंगा, तो इस तरीके से उन्होंने शादी भी नहीं की. ब्रह्मचारी तो वो थे ही. और उसके बाद व्हाट एल्स, हाँ अबाउट टाइम वेस्ट. 10 साल जब वो प्रचार के कार्य में आए ना, प्रचार प्रचार से पहले उन्होंने 10 साल एक जगह मतलब एक कुटिया में रह के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका 194 राउंड्स हर दिन करते थे, हर दिन. और इतना बिजी हो जाते थे कि जब बारिश पड़ती थी ऊपर से कभी कहीं कुटिया में होल वगैरह होके बारिश गिरती थी तो ही वॉज नॉट हैविंग द टाइम कि उनका समय था कि उसको कवर करे एंड ऑल. वो छाता लेके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे बिकॉज ही डजंट वॉन्ट टू वेस्ट हिज टाइम. वो अपने समय को गवाना नहीं चाहते थे. एंड जस्ट कंपेयर हिज लाइफ विद आज, मतलब उनकी लाइफ अपनी लाइफ के साथ अगर हम कंपेयर करें तो वी विल सी दैट वी कैन एग्जामिन, और हम एक वो माप सकते हैं कि हम कितना समय गवा रहे हैं बहुत सारी चीजों में. तो लेट अस फोकस ऑन दीज थिंग्स, आई विल आल्सो फोकस, यू विल आल्सो फोकस, एंड लेट अदर्स आल्सो फोकस. तो इस तरीके से हमें श्लोका से रियलाइजेशन लेना है. आई होप आपको श्लोका अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट श्लोका भी कुछ ऐसा ही है, शिला प्रभुपाद इसमें वर्णन कर रहे हैं. तो नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेगा, लेट मी सी चैटिंग सेशन में अगर किसी ने बोला है कौन पढ़ना चाहेगा. अनुराधा माता जी, यस माता जी, अनुराधा माता जी, where is Anuradha Mata? Yes, Mataji, please read it. Hare Krishna, Prabhuji. आवाज कम आ रही है माताजी. हरे कृष्णा. अब ठीक आ रही प्रभुजी? हाँ, पहले से ठीक है. विदुरस्ते अभिपत्य धृतराष्ट्रम भाषत राज्यन्य ब्रह्मत्य विशिक्र पश्यते भयमागंतम. महात्मा विदुर ये सब जानते थे, अतः उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए, जरा देखिए तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है. तात्पर्य, क्रूर काल को किसी की परवाह नहीं रहती, चाहे वह धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर ही क्यों ना हो. अतः बूढ़े धृतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया वह उनसे कम आयु वाले महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू होता था. एक तरह से राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति, राजा तथा उनके भाइयों एवं माता सहित विदुर के भाषणों को ध्यान से सुन रहा था. किंतु विदुर को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेषकर धृतराष्ट्र के ही निमित्त हैं, क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकवादी थे. राजन शब्द से धृतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया. धृतराष्ट्र अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, अतः नियमों के अनुसार उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होना था, किंतु जन्म अंध होने के कारण वे अपने न्याय उचित अधिकार से अयोग्य मान लिए गए थे. वे इस शोक अवस्था को भूल नहीं पाए, किंतु अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के बाद यह निराशा कुछ कम हो गई. उनके छोटे भाई अपने पीछे कुछ अल्प व्यसक पुत्र छोड़ गए थे, अतएव धृतराष्ट्र उनके स्वाभाविक अभिभावक बन चुके थे, किंतु उनकी हार्दिक अभिलाषा ये थी कि वे असली राजा बने और अपने राज्य दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर दें. इन राजसी महत्वाकांक्षाओं को लेकर धृतराष्ट्र राजा बनना चाह रहे थे, अतः वे अपने साले शकुनी की सलाह से सभी प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे, किंतु भगवान की इच्छा से सारी योजना असफल हो रही थी. वे अंतिम अवस्था में भी अपना सब कुछ, सारे लोग तथा अपना सारा धन खोकर भी राजा बने रहना चाहते थे, क्योंकि वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ जो थे. अपना कर्तव्य समझकर महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की राजसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा और धृतराष्ट्र सुखपूर्वक राजा बने रहने अथवा महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपने में इन्हें गिने दिन काट रहे थे. विदुर धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्यनिष्ठ स्नेही भाई एवं एक साधु पुरुष होने के कारण एक साधु पुरुष उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे. अतएव उन्होंने व्यंग पूर्वक धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वह राजन नहीं थे. हर व्यक्ति सनातन काल का दास है, अतएव कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता. राजा का अर्थ है वह जो आज्ञा दे सके. एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजा काल तथा ज्वार भाटक को आदेश देना चाहता था,
किंतु काल तथा ज्वारभाटा ने उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया था। अतः इस भौतिक जगत में मनुष्य मिथ्य का राजा होता है और धृतराष्ट्र को विशेष रूप से उनके मिथ्य पद का तथा उनके वास्तविक भयानक घटनाओं का जो उस समय घट चुकी थी स्मरण दिलाया जा रहा था। विदुर ने उनसे तुरंत ही इस अवस्था के बाद से बाहर निकल आने के लिए कहा। यदि वे तेजी से बढ़ने वाले इस भयावह परिस्थिति से बचना चाह रहे हो, उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार को भयावह परिस्थिति से अवगत है और काल क्रम में वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे, भले ही उस समय विदुर वहां उपस्थित ना हो। हरे कृष्ण। So, here is another important verse. धृतराष्ट्र का एक थोड़ा सा करेक्टर के बारे में हमें जानने को मिला कि हाउ लोभी पर्सन ही वॉज। धृतराष्ट्र मतलब जिसका राष्ट्र से इतना आसक्ति हो गया है कि वो भूल चुका है मेरा पांडवों से क्या संबंध है, सबसे इम्पोर्टेंट कि मेरा भगवान से क्या संबंध है। इतना धोखाधड़ी, इतना क्रूरता, ये एक राक्षसी गुण होते हैं, तो वो सब उन्हीं में होते हैं जो भगवान का भक्त नहीं होता। तो भगवान का भक्त हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करता है जो राक्षसी प्रवृत्ति के तरीके के कार्य हो। तो एनीवेज यहाँ पे ये जो परपट है, ये जो श्लोक है, दिस इज अ विदुर शिक्षा नाउ। तो विदुर अब जो शिक्षा दे रहे हैं और धृतराष्ट्र को बड़े बोलते ना स्मैशिंग तरीके से बोल रहे हैं, छोड़ दे अब। और सबसे पहले तो यहाँ पे शब्द का यूज किया अभिप्रेत्या। अभिप्रेत्या मतलब द वन हु नोज ऑल द थिंग्स। एंड शुद्ध भक्त जैसे महात्मा विदुर हैं, वैसे ही कुछ और शुद्ध भक्त जो हमारे जीवन में अभी हैं, जो हो चुके हैं, ही नो, दे नोज वेरी वेल व्हाट इज आवर पोजीशन, हमारा पोजीशन क्या है। कठोर शब्द में कहूं तो हमारा औकात क्या है, दे नोज। सो विदुर वॉज नोइंग हाउ धृतराष्ट्र इज एंड हाउ युधिष्ठिर इज। तो वो जो भी शिक्षा दे रहे थे वो युधिष्ठिर, वो वहां उपस्थित तो था युधिष्ठिर के लिए नहीं थी। अब शिल प्रभुपाद कभी के बार क्या करते थे, अपने शिष्यों के ना क्लास में बैठ भी जाते थे और बोलते थे नाउ यू गिव द क्लास, ही वाज ट्रेनिंग पर्सनली। तो इट डजंट मीन कि शिल प्रभुपाद वाज अटेंडिंग द क्लास, इट मींस वो उनकी शिक्षा, शिल प्रभुपाद वाज एलिवेटेड सोल, युधिष्ठिर महाराज वाज आल्सो एलिवेटेड सोल, इवन धर्मराज विदुर। कल एक्चुअली हमसे एक छोटे सा मिस्टेक हो गया, मुझे अभी धर्मराज बोला, यमराज एंड धर्मराज इज वन एंड द सेम। धर्मराज यमराज का दूसरा नाम है। एनीवेज युधिष्ठिर महाराज वाज एलिवेटेड सोल एंड विदुर वाज आल्सो एलिवेटेड सोल। सो वो ये उनके लिए क्लास नहीं था, ये धृतराष्ट्र जो हम जैसे, हम धृतराष्ट्र से कम नहीं है। सो मे बी वी आर नॉट डूइंग सच एक्टिविटीज, वी आर नॉट ऑन दैट पोजिशन जिस तरीके से उन्होंने किया, लेकिन छोटे छोटे लेवल पे हम छोटे छोटे धृतराष्ट्र तो हैं, छोटे छोटे दुर्योधन तो हैं हम। तो वैसे कार्य और जो वैसे इंस्ट्रक्शंस जो थे वो स्पेशली धृतराष्ट्र के लिए थे। फिर धृतराष्ट्र का जो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे राजन शब्द अगर आप देखेंगे, राजन निर्गमयंतम शीघ्रम, कि अब शीघ्र करो, अब निकल जाओ यहाँ से, अब मतलब जो मेन उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन का उस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मतलब अल्प क्या शब्द था यहाँ पे, मतलब एक सार्केस्टिक तरीके से, मतलब ना मजाकी उसमें बोलते ना राजा, बड़ा आया राजा, अब जा, अब बड़ा हो गया, उस तरीके से बोला उन्होंने उनको। तो ऐसा कोई राजा शब्द उनके लिए यूज नहीं किया, क्योंकि राजा कौन, राजा यहाँ पे तो वही शिल प्रभुपाद बता रहे हैं, राजा इस कोई राजा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, ऐसे सब भगवान के दास ही तो हैं। एक्चुअली हम सब भिखारी हैं। वो क्या वो सुंदर भजन मुझे कभी याद आ जाता है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, बड़ा सुंदर भजन है। हाँ, तो वन शुड लिसन, मतलब आई रियली लाइक दिस भजन, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, वी ऑल आर भिखारीज, वी ऑल आर बेगर्स, तो व्हाट वी आर हैंग्री फॉर, राजा ये वो सब कुछ नहीं है हम। तो उसी तरीके से जो आसक्ति में धृतराष्ट्र था, वो आसक्ति हमें नहीं होनी चाहिए। विदुर यहाँ पे उसी चीज को समझाने के लिए यहाँ आए और उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया और उनको इमिजिएटली निकलने के लिए बोला, ताकि वो उनको बचा सके और उनको बता सके कि काल बिता जा रहा है और मौत निकट आ रही है। क्योंकि जितना टाइम वी आर पासिंग ऑन, मतलब काल के दो शब्द है ना, एक काल जो समय है, एक काल जो आने वाला है, एक मौत मृत्यु के, जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते काल मैं हूँ। तो यमराज हिमसेल्फ वाज टेलिंग कि मैं जल्दी इसे आने वाला हूँ तेरे को लेने के लिए। सो कॉन्शियसनेसली, मतलब वी शुड बी वेरी कॉन्शियसली डू सर्टन थिंग्स विच इज रियली रिक्वायर्ड। तो इसी तरीके से हमें इंडिकेशन मिलते हैं, जैसे यमराज यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं धृतराष्ट्र को ज्ञान के रूप में, इसी तरीके से हमें भी कई सारे इंडिकेशन मिलते हैं कि नाउ हियर इज द टाइम टू प्रिपेयर
yourself to go back home, back to Godhead. What are the signs you have to see? किसी का स्वास्थ्य खराब है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी को ज्वाइंटिस है, किसी के बाल सफेद हो रहे हैं, किसी के दांत निकल रहे हैं, किसी को कमर में दर्द है, किसी को पेट में दर्द है, या किसी को मतलब होता ना एक्सीडेंट, बचते बचते बच गया, मरते मरते बच गया, ऐसा. तो देर आर सर्टन थिंग्स विच वी हैव टू सी, एंड नाउ लेट हियर इज अ चांस श्रीला प्रभुपाद इज गिविंग अस अ वेरी इजी प्रोसेस टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड बाई चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीला प्रभुपाद ने बहुत सरल किया, बहुत ज्यादा सरल किया. कहीं उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट हार्ड एंड रूल्स को हमें रिकमेंड नहीं किया कि आप मतलब ऐसे व्रत रखने हैं तो निर्जल रखो, भूखे रहो, मतलब खाली पेट रहो, कोने में बैठ के तपस्या करो, ऐसा नहीं. श्रीला प्रभुपाद ने बोला फास्टिंग के दिन भी फीस्टिंग करो, हाँ अन्न नहीं लेना है, भगवान को भोग लगाओ और खाओ, जितना अनिवार्य है उतना खाओ, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र बड़ी तीव्रता से जप करो, 16 माला कम से कम 4 नियमों का पालन करो, दीक्षा ग्रहण करो और दीक्षा के साथ साथ उनकी शिक्षा का पालन करो अपने दीक्षा गुरु की, और अपने आप को प्रिपेयर करो ताकि गोलोकधाम जाने के लिए. अगर हम इस छोटे से इजी प्रोसेस को भी अपने जीवन में उतार ना सके तो धिक्कार है इस मनुष्य जीवन पे, धिक्कार है इस शरीर में, इस शरीर में रहने वाले मतलब इस शरीर को ही धिक्कार है कि क्या कर रहा हूँ मैं, और इतनी कंफर्टेबल लाइफ है एंड स्टिल वी आर गिविंग सो मेनी एक्सक्यूजेस. बहुत सारे एक्सक्यूज बोलते हैं, आज मेरा तबियत सही नहीं है, आज मेरा ये नहीं है. वी आर गिविंग, इवन आई एम गिविंग, इवन मेनी ऑफ यू आर गिविंग, आज मेरा वो नहीं है, कभी लेट उठना या कभी कुछ अलग कार्य, सिर्फ लेट उठना ही नहीं, बहुत सारे अलग भी कार्य करना. So, कोई कंप्लेंट करता है मैं गरीब हूँ, कोई कंप्लेंट करता है मेरा पेपर पास नहीं हो रहा, कोई कंप्लेंट कर रहा है कि मेरे को तनख्वाह कम है, कोई कंप्लेंट कर रहा है कि मेरे बच्चे मेरी सुनते ही नहीं, कोई कंप्लेंट कर रहा है कि मेरे बच्चे बड़े तो हो गए लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही, कोई कंप्लेंट कर रहा है मेरी बीवी के, मेरे बच्चे बीवी की नहीं, मेरे बच्चों की शादी हो गई और वो अब अपनी बीवी का सुन रहा है, मेरा नहीं सुन रहा. सो मेनी कंप्लेंट्स. ये नहीं समझ रहे कि भगवान ने हमें कंफर्टेबल लाइफ दी हुई है, कितनी अच्छे तरीके से हम भक्ति कर सकते हैं, एकांत जगह पे, जगह घर से निकाल दिया तो मंदिर में जा सकते हैं. श्रीला प्रभुपाद ने तो इंस्टीट्यूशंस खोले हैं, जाओ हरे कृष्ण महामंत्र में, वहाँ आपको अन्न भी मिलेगा और अच्छे तरीके से आप वहाँ पे सेवा करें भगवान की, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और अपने जीवन को सफल बनाएं. मेरे जीवन का भी यही उद्देश्य है, आपके जीवन का भी यही उद्देश्य है, इसलिए हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं अपने आप को और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए. तो इसी तरीके से आप सब मेरे को अपना साथ दे दीजिए ताकि मैं तरक्की कर सकूँ, आगे भक्ति में आगे बढ़ सकूँ और इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकूँ. हरे कृष्णा. तो अगर किसी को कोई प्रश्न है, कुछ डाउट है, कुछ डिस्कशन है, कुछ पॉइंट को मेंशन करना है तो लेट अस टेक दैट. लेट अगर किसी को कोई प्रश्न है, लेट मी सी द चैटिंग सेशन. यस, आशा माता जी इज सेइंग इट इज अ जबरदस्त पर्पट. यस, एंड स्पेशली द 17th वन एंड 17th 18th 19th इट इज ऑल रिलेटेड टू ईच अदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत अच्छे श्लोक है. Anuradha Mataji is saying, we should smartly utilize each and every second in Krishna consciousness as time is very less. Every second is uncertain. Yes, very Mataji, very right Mataji. One can never find such a holistic spiritual master like Srila Prabhupada. Hence, we should strictly follow his guidelines. His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Yes, Mataji, you are very right. He was really... an incarnation of, as I feel, Srila Prabhupada is an incarnation of mercy. Kripa ke wo avatar hain. Kisi ka koi prashna hai? Okay, let's just give me one second. Kisi ka koi prashna hai, to unmute option pe click karke puch sakte hain. Otherwise, we will end the session. 19th वर्स से कल कंटिन्यू करेंगे हम. किसी को कोई प्रश्न नहीं है? प्रभु जी हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. जो आज हमने पढ़ा ना कि जो मनुष्य घरेलू विषयों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, जो ये वाला है, आई मीन टू बी वेरी फ्रैंक, प्रैक्टिकली ये बहुत डिफिकल्ट है. तो हाउ वी शुड, आई नो इट इज नॉट अ वन टाइम, मतलब इंस्टेंट प्रोसेस तो है नहीं, ग्रेजुअली कैसे इस चीज को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं? By following the instructions of our spiritual master, like right now you may be have, you don't have a Diksha Guru, but Shiksha Guru is always there, Srila Prabhupada. By following what he is recommending, you are reading Bhagavatam, you are attending Mangala Aarti, you are chanting 16 rounds, following principles after getting Diksha,
एंड दिस इज अ प्रोसेस वेयर वी कैन गो, मतलब टेंपल्स विजिट करें, अभी तो कोविड चल रहा है तो व्हाटएवर द सिचुएशन एट योर होम इज उसको सूटेबल बनाए. So this is a process and I'm also doing it. If I will compare, although I'm not in a full grihastha right now, I'm not married yet, but probably next year. So, but if I will compare my life back, jo 4 saal pehle tha, I see my improvement in the spiritual life, but not as you are doing. Aapka process zyada achha hai aur waqai shuddh bhakton ka aur bhi achha hai. To mera slow hai. लेकिन वो था ना एक साबुन ऐड आता था, ओ बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? मेरा साबुन स्लो है, मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ. आप सब थोड़ा फास्ट करें बिकॉज अभी हमारे लिए बहुत सुटेबल चांस है, बिकॉज कोविड इज देयर, वी कैन फील द फियर, है ना, कि हम भी कभी ना कभी जाने वाले हैं. तो वी कैन परफॉर्म, बीइंग इन अ ग्रहस्थ इज नॉट अ बैड, बट आफ्टर ऑल इफ यू आर परफॉर्मिंग योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली एंड making them Krishna conscious or letting them eat Krishna prasadam, what मतलब उसमें अच्छा क्या है? और गृहस्थ devotees के साथ टच में रहे जितना हो सके, maybe over the phone or over the WhatsApp or whatever the medium you are using. So this can make us more mature in the devotion. That is the process only. Okay, Prabhuji. Thank you. Okay, thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. And any other devotee, किसी और को कुछ कहना है या otherwise we will. We'll end the session. Okay, nothing to ask? चलिए. Okay, तो चलिए आज के session को end करते हैं. आप सब अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए फुल जोश के साथ, बोलिए ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम की जय हो, बोलिए हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे.